जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष अग्रवाल, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर मार्केट की प्रिडिक्शन। सिल्वर आज जॉबलेस क्लेम डेटा से पहले, जो डेटा आज शाम को आने वाला है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम और 4 वीक का एवरेज जॉबलेस क्लेम का और नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा भी आने वाला है। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होने वाली है, डेटा पे निगाह बनाए रखें, इसलिए चीजें सीख कर ट्रेडिंग करें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन किसी को नहीं। लेवल्स पे ध्यान दें, लेवल्स जो लास्ट टाइम आपको दिए थे मार्केट में, वो लेवल्स हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए। मार्केट में क्या हुआ, ये 15 मिनट का जुलाई फ्यूचर का चार्ट है। एक्सचेंज यूएसडी पे भी बात करेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है। मार्केट ने क्या करा, डबल टॉप बना के ऊपर गया, और ये टॉप डबल टॉप कहाँ बना था, बुलिश चैनल के सपोर्ट पे बना हुआ। बुलिश चैनल में भी ट्रेड करती हुई अभी नजर आ रही है चांदी, लगातार सपोर्ट ले रही है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और जो टारगेट आपको 72,800 सॉरी 73,200 तक के मैंने टारगेट दिए थे, मार्केट 73,100 से बाउंस हो गया। बियरिश कैंडल स्पिनिंग टॉप रिवर्सल बना के फिर दोबारा उस रेंज में आ रहा है, फिर वहां से ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो कभी ना कभी तो ये लेवल तोड़ेगा, जब भी तोड़ेगा तब आप उस रेंज में ट्रेड करना, उस लेवल पे ट्रेड करना। लास्ट टाइम जो मैंने आपको ये वीडियो डाली थी गोल्ड की, 59,600, 59,500, 59,300 लेवल आ सकते हैं गोल्ड में, तो वो आपने देखा, वो लेवल आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए। इसी ट्रेंड लाइन से एक फॉल हमें देखने को मिला, जो अपर ट्रेंड लाइन थी, और ये सारे लेवल हमारे हिट हुए। तो इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा बजा दीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आप तक रेगुलर पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी में बताया था इस लेवल से सपोर्ट के आसपास बाय करोगे, ऊपर की तरफ 72,000, 72,400, 73,200 और 73,600 भी जा सकता है। तो ये दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए, ये भी अप्रोक्स हमारा अचीव होता हुआ दिखाई दिया। 73,000 तक चांदी आपको अचीव होता हुआ दिखाई दिया। जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी टारगेट अचीव हुए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट से लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है लगातार। लेवल से आप नोट कर लीजिए, ऊपर की तरफ की लेवल मुझे दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, 71,500 रुपए का लेवल। 71,500 मैं यहाँ नोट कर लेता, 71,250 से 71,500 की एक रेंज है, सपोर्ट की अच्छी रेंज है। जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे उतरेगा, तो एक बड़ा फॉल आने की संभावना हो सकती है शाम को। अगर डेटा बड़ा हुआ आता है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम का, तो गोल्ड सिल्वर और तेजी दिखा सकते हैं। अगर डेटा बहुत कम लोगों ने जॉब क्लेम किया, तो फिर फॉल एक आपको देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में। एक फॉल यहाँ से देखने को मिला था, एक रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में वर्क कर रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, दोबारा आज 72,400 और 72,900, 73,200 और 73,400 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट हर्डल जो अभी दिखाई दे रहा है, 72,400 इमीडिएट लेवल दिखाई दे रहा है मार्केट, ठीक है। जब डेटा आएगा तो एक वोलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी दोनों तरफ की। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें मार्केट में। बुलिश चैनल आपको मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये बुलिश चैनल में ट्रेड कर रहा है परफेक्ट तरीके से। तो लगातार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ लेवल जो अपर साइड के लेवल्स हैं, वो कहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएगा तो एक इमीडिएट लेवल 72,800, 73,400 और 73,800 रुपए, 800-900 के भी लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है, अगर बहुत ज्यादा लोगों ने जॉब क्लेम किया तो। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन अगर जब भी तोड़ेगा, 72,250 के नीचे जब भी उतरेगा, तो एक नीचे की तरफ फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो फॉल मार्केट को ले जा सकता है 71,000, 70,500 रुपए के लेवल की तरफ ले जा सकता है। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट में आप ध्यान से देखो, जो चांदी ट्रेड हो रही है 1 आवर के चार्ट पे लगातार साइडवेज हो गई। ये लेवल जो आपको लास्ट टाइम मिला था, ये भी कल अचीव हुआ, यहाँ से फिर दोबारा फॉल हुआ और लगातार इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है 23.40 का। हम बात कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आ गया हूँ लगातार। आप देखो इसमें भी क्या हो रहा था कि बियरिश चैनल में ट्रेड कर रहा था मार्केट यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क कर रहा है। मार्केट में बाइंग है, कहाँ पर ऊपर लेवल है, दोबारा आपको $24 तक के लेवल देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। ओवरऑल अभी खरीदारी मार्केट में चल रही है, जो लोग बाय करना चाहते हैं रिट्रेसमेंट पे बाय करें, जब इस रेंज के आसपास आ जाए, कहीं ना कहीं 23.50, 23.55 के आसपास आए, तब रिट्रेसमेंट पे
अगर आपको प्राइस एक्शन मिल जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के दोबारा ऊपर निकल रहा, तब आप बाई की पोजिशन बना सकते हो। इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, फिर एक ब्रेकआउट हुआ, हो सकता है दोबारा इस रेंज में आए। एट द टाइम अभी मार्केट पे बाय ना करें बिल्कुल भी। शॉर्ट की पोजीशन बनानी है किसी को, तो शॉर्ट की पोजीशन जो दिखाई दे रही है मार्केट में वो 23.30 के नीचे दिखाई दे रही है। स्कैल्पिंग करनी है तो 23.30 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते। ऊपर की तरफ मार्केट में जो बाई की पोजीशन मैंने बनाई है, हाँ इस जगह बना सकते हो आप 23.45 के ऊपर, 24.20, 24/20 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तो और ऊपर फिर जाने की संभावना बनेगी, वो बाद में बताएंगे। अब लेवल ध्यान से देखो, लेवल्स नीचे की तरफ जो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, एक लेवल ये भी मार्क कर रखा है मार्केट में $23 का। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा मार्केट 23.30 का, तो कहाँ तक जाएगा? $23 तक, और फिर इसके नीचे $22.50 तक भी देखने को आपको मिल सकता है। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी, आप कोशिश करिए साइडवेज मार्केट में सपोर्ट पे बाय करें, रेसिस्टेंस पे सेल करें। पोजीशन अगर बना ली है तो प्रॉफिट बुक करते रहें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन रखो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, तभी आप रिस्क मैनेज कर पाओगे। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करोगे तो आप अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए चीजें आप सीख के ट्रेडिंग करें, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Not again, it's a red skin.